कन्या विद्याधन लेते थे 30,000 रुपया, आज कन्या विद्याधन बंद हो गया, आज बेरोजगारी का भत्ता बंद हो गया। आज क्या हो रहा है, आज केवल गरीबों का मकान गिराया जा रहा है। और आज मैं इस मंच के आज सुबह के लोग से मिले थे, हमारे साथ भाई अमर सिंह जी भी थे, हमें पप्पू जी भी थे, रामचंद्र यादव जी भी थे, सुरेंद्र यादव जी भी थे, सारे लोग थे। और हमने पीएम से कहा कि आपके अधिकारी यहाँ पर देखते हैं नाम पीछे यादव वाला है, उसका मकान ले जाकर बुलडोजर से गिरा दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर पर लाल हरा झंडा लगता है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगता है। आज हमने बात कही एकता से फैजाबाद में, और हमने ये भी कहा है अगर कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, तो आप नोटिस जारी करिए, कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन अगर आप बगैर नोटिस दिए हुए इस तरह का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर कर आपके योगी और मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। के घर परिवार की बेटियों का कन्या विद्याधन बंद हुआ है, इनके घर के बेटे का बेरोजगारी भत्ता बंद हुआ है, इनके गरीब परिवार की शादी का जो पैसा आता था वो बंद हुआ है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, घर की महिलाओं आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप चेत जाएंगी, अगर आप जग जाएंगी, अपने गांव और मोहल्ले को जगा देंगी, तो 19 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और 22 में भी दोबारा अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यहाँ बैठी हुई जनता जनार्दन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसी सरकारों से आप विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उन्होंने मंदिर की बात की थी, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों की बात की थी, मुसलमानों की खिलाफत की बात करते हैं। तमाम लोग इन्हीं बातों से खुश होकर उनको वोट दे देते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास की बात तो हमारे नेता करते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, आनंद सेन यादव जी करते हैं, तेज नारायण पांडे जी करते हैं, लेकिन साथियों शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इतना विकास होने के बावजूद भी जिस तरह से जनता ने जो है वोट नहीं दिया है, आप ये समझ लीजिए जो है एक शेर कहा गया है, पल न खता की थी सदियों में सजा पाई है, वही आपने जो किया है उसका अंजाम हमको भुगतना पड़ेगा। एक देश का प्रधानमंत्री कहता, मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ जो करोड़ों का सूट पहनता है और सीप्लेन से हाल हो रहा है, बुजुर्ग हाल हो रहा है और गरीब किसान की फसल का नुकसान हो रहा है, जिसके उसके पेट पे लात पड़ रही है, रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, ये योगी और मोदी को नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उनको नमन करते हैं। ये बीकापुर की धरती जहाँ से कई बार लोकसभा के सांसद रहे आदरणीय मिस्टर यादव जी, यहाँ के विधायक रहे हमारे कामरेड स्वर्गीय मिस्टर यादव जी, उनकी धरती, उनको नमन करते हुए आज हम ये कहना चाहते हैं, आज इस धरने में आए हुए लोगों, आपको संकल्प लेना होगा। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, आपने हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई है। फैजाबाद में लोगों ने बेमानी करके भाजपा को मशीन से जिता दिया, लेकिन आने वाले 19 में इतना साइकिल का बटन दबा देना कि योगी और मोदी का पत्ता इस प्रदेश और देश से साफ हो जाए, या भी हम आपसे करने आए हैं। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आज ये महिलाएं बैठी है,